अब हम सिंपल कैलकुलेशन करना सीखेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे देख रहे हो एक छोटा सा डेटाबेस है जिसमें मैंने इम्प्लॉयज़ आईडी और यहाँ पे मंथ के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये उनकी टोटल सेल है। अगर मुझे चेक करना है कि उन्होंने कितनी सेल की है तो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे टोटल देखना है और एवरेज सेल क्या हुई है। एवरेज सेल से मतलब ये है कि इस जैन मंथ की एवरेज सेल क्या है और जैन मंथ का टोटल क्या है। इसी तरीके से फैब की टोटल क्या है, फैब का एवरेज क्या है। तो यहाँ पे हम टोटल और एवरेज निकालना देखेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर मैं इज इक्वल टू लगाता हूँ, अब इसके बाद मैं इन वैल्यूज को यानी जिन जिन एम्प्लॉयज ने सेल किया है उनको कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब देखिए ये जो 11,405 है ये कौन से सेल पर है, यह है C6 पर। तो मैं यहाँ C6 टाइप करता हूँ। जैसे ही C6 टाइप किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक बॉक्स बन के आ गया जिसने C6 को सेलेक्ट कर लिया और वो ही ब्लू कलर से। तो एज इट इज अगर मैं नीचे की वैल्यू को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा से प्लस, मुझे प्लस करना है तो प्लस करते ही अब मैं C7, क्योंकि कॉलम तो हमारा चेंज हुआ नहीं है, C7, तो एक और डिफरेंट कलर के साथ इसने C7 को सेलेक्ट कर लिया है। और दोबारा से अगर मैं प्लस करके C8, तो मैंने यहाँ C8 लिखा। तो इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो अब एंटर दबा के रिजल्ट ले सकता हूँ। तो एंटर दबाता हूँ, अब मेरे पास रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो हमें अच्छे से, लेकिन बाई चांस कोई वैल्यू आपसे छूट जाती है। लेट सपोज कि अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक एंट्री और हो, तो मैं एक इंसर्ट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे एक एंट्री जिसका एम्प्लॉय आई डी है 47, अब इनकी सेल है 47। बार में ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी हमने फंक्शन लगाया था वो फंक्शन की सिलेक्शन यहाँ पे आ गए। अब जस्ट आपको प्लस करना है और जो नेक्स्ट रेफरेंस है यानी C9 लिखेंगे। हम जब भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, अगर हम कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई केस सेंसिटिव नहीं है और ऑटोमेटिकली एक्सेल इसे डिडक्ट कर लेगा और कन्वर्ट कर देगा कैपिटल लेटर्स में। तो यहाँ पे C9 सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस करता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। अब आपको ये भी चेक करना है कि क्या ये रिजल्ट सही है या गलत है। तो जस्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट करोगे। आप देखोगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने के लिए क्या किया, माउस को हावर किया, क्लिक किया और नीचे तक की रेंज को सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट की है तो आप देखेंगे स्टेटस बार, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोज में बताया था स्टेटस बार। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 26,785, तो जैसे ही यहाँ पे 26,785, तो मैंने चेक कर लिया कि हाँ मैंने जो टोटल निकाला है वो भी एकदम करेक्ट है। अब देखिए अगर आप कोई गड़बड़ कर देते हैं फंक्शन के अंदर, बाई चांस आपको लगता है कि आपने कोई मिस्टेकली कोई गड़बड़ कर दी है, तो जैसे ही यहाँ पे कोई गड़बड़ कर दी है और आपको पता लग गया है कि हाँ गड़बड़ हो गई, तो जस्ट आप स्केप की दबाएं और बाहर आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे फंक्शन देखना है, फॉर्मूला बार पे नहीं जाना, फंक्शन यहाँ पे देखना है, तो जस्ट आप क्या करोगे, डबल क्लिक, एकदम क्विकली डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही डबल क्लिक किया यहाँ पे भी फंक्शन शो हो गया, यहाँ पे C6, C7, C8 और C9 ये एक दूसरे से प्लस हो गया। तो यहाँ पे अच्छे से रेंज दिख रही है कि हाँ कौन कौन सा सेल, जैसे कि C6 के लिए ब्लू आ रहा है, तो यहाँ पे कलर भी डिफाइन है। हो सकता है कि पुराने वर्जन में ऐसा ना हो, बट न्यू वर्जन में 2010, 2013, 2016, 19 और 365 में इस तरीके से कॉम्बिनेशन आ रहा है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किस कलर्स के थ्रू हमें दिख रही है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम
सेम यहां पे भी करना चाहते हैं टोटल, तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू, अब रेदर की मैं यहाँ पे है ना रेफरेंस लिखूं, मैं जस्ट क्लिक करूंगा और प्लस साइन यूज करूंगा। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, देखिए एक सिलेक्शन आ गया है जिसके आसपास एक डॉटेड लाइन है, डॉटेड बॉर्डर है। अब प्लस दिस वन, प्लस दिस वन, दिस। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, पहले से ज्यादा इजी है कि हाँ मैं यहाँ पे टाइप कर रहा था रेफरेंस और यहाँ पे जस्ट मैंने सेलेक्ट किया है, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे भी मेरा टोटल आ गया है। ओके अब अगर आपको इस तरीके से टोटल करना है या इस तरीके से, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि रेफरेंस पता होना भी जरूरी है आपको कि कौन कौन से रेफरेंस है। और यहाँ पे जैसे ही आपने रेफरेंस को सिर्फ सेलेक्ट किया है तो भी टोटल आ गया। अब देखिए कि जो भी मैंने यहाँ कैलकुलेशन की थी, जो भी कैलकुलेशन की है वो तो यहाँ पे आ रही है। अब इसको यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे ये जो सिलेक्शन है, इसके यहाँ पे एक है ना छोटा सा डॉट है, इस डॉट पे जो मेरा बड़ा साइन है, जो मेरा कर्सर है, इस पे बड़ा प्लस बन के आ रहा है। जैसे ही मैं इसको इस सेल के पास लेके जाऊंगा तो यहाँ देखिए ब्लैक कलर का साइन आ गया है प्लस का। तो अब इसका मतलब ये है कि इससे भी मैं अपना काम कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा और इसको राइट की तरफ मूव किया, क्लिक करके राइट की तरफ मूव करना है, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली मार्च का भी टोटल आ गया। देखिए इसने यहाँ पे क्या किया, देखिए ऊपर रेफरेंस क्या आ रहा है मार्च का, E6, E7, E8, E9, तो यहाँ पे ये रेफरेंस आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा था D6, D7, तो ऑटोमेटिकली एक्सेल ने अपने आप हमें बता दिया कि यहाँ पे इस कॉलम में तो आपने डी लिखा था, तो आपको शायद यहाँ पे ई कॉलम की जरूरत है, तो उसने पहले से ही यहाँ पे हमें रिजल्ट दे दिया, हमें कोई फॉर्मूला एडिट नहीं करना पड़ा, उसने डायरेक्ट हमें रिजल्ट दे दिया। तो जैसे ही हम यहाँ से ट्रैक करेंगे तो हमें रेंज भी चेंज हो जाएगी। ओके और इसके बाद अगर आप जस्ट इसको कॉपी भी करते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं, आपको पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी सेम यही चीज हुई है जो मैंने यहाँ से ट्रैक करके किया था। तो यहाँ पे अगर मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो यहाँ पे फंक्शन में आप देखेंगे फॉर्मूला बार के अंदर F6, F7, F8, F9, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी रेंज चेंज हो जाती है। आप देखना चाहे स्टेटस बार में भी चेक भी कर सकते हैं। ओके ये तो रहा रेफरेंसिंग, अब हमें एवरेज निकालना है। तो या तो हम टोटल से एवरेज निकालें कि हाँ जितने भी हमारे पास इम्प्लॉयज हैं, जो भी टोटल आया है उसको यहाँ डिवाइड करेंगे 4 से और एंटर। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड का साइन लगाया है, डिवाइड का साइन लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं उनके शिफ्ट शिफ्ट की के लेफ्ट साइड होगा या फिर नंबर की में 8 के ऊपर होगा, और एंटर। अब देखिए यहाँ पे एवरेज निकल के आ जाता है। आप चेक करना चाहे तो यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए एवरेज आ गया। अब आप चाहे तो यहाँ पे राइट क्लिक करके जो भी आपको फंक्शन चाहिए, मे बी मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ मिनिमम वैल्यू कौन सी है 4500 और मैक्सिमम कौन सी है 11405। तो इसी तरीके से यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम देख भी वैल्यू दिख सकती है आपको। आप चाहे तो इसको रख के चाहे तो हटा दीजिए, मैं अभी यहाँ पे हटा रहा हूं। ओके इसके बाद अगर आपको यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेशन करनी है एवरेज की, या तो आप माउस को ड्रैग कर सकते हैं, तो आप देखिए सभी हर महीने का यहाँ पे एवरेज निकल के आ जाता है। आप F2 करके भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको डबल क्लिक नहीं करना तो आप F2 भी कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि एक छोटा सा प्लस साइन और इस पे लिख के आ रहा है ऑटोफिल ऑप्शन, यहाँ पे दो तीन चीजें लिख के आ रही हैं। इसका क्या मतलब है, मैं एक बार इसको डिलीट मारता हूँ और यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं मेरे पास, यहाँ पे जब ऑप्शन यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो मैंने जनवरी का एवरेज निकाला है उसको मैं
ट्रैक करके बाकी जगह लेके आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हर जगह येलो कलर से फॉर्मेटिंग हो गई है, रेड कलर से फॉर्मेटिंग हो गई है और रिजल्ट भी आ रहा है, बट मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, मुझे कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे जो आ रहा है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, तो इस पर भी क्लिक कर दूंगा। अब देखिए सिर्फ फॉर्मेटिंग के अलावा, यानी फंक्शन तो आ गया है, फॉर्मेटिंग गायब हो गया, पहले फॉर्मेटिंग आ गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप सिर्फ फॉर्मेटिंग ले सकते हैं, बट अगर आपको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, ओनली फंक्शन चाहिए, तो आपने सिर्फ फंक्शन ले लिया। इसके अलावा अगर आपको खुद से फ्री फील कोई कैलकुलेशन करनी है तो जस्ट आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे आप फ्री फील कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप एक और चीज, इज इक्वल टू के अलावा प्लस का साइन भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहे फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं या फिर फॉर्मूला के बीच में, ठीक है, तो आप प्लस तो फॉर्मूला के बीच में यूज करते ही हैं, बट अगर आप फॉर्मूला को स्टार्ट भी कर रहे हैं तो भी आप इज इक्वल टू की जगह प्लस साइन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस कोई भी आप वैल्यू चाहे मल्टीप्लाई फोर, ओके। आप फ्री फील कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, रेफरेंसिंग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा में काम करना है, आप सोचिए कि अगर आपके पास यहाँ से डेटा शुरू होता है और कई साल का डेटा है, तो आप ये स्क्रीन छूट जाती है और आपको वापस से स्क्रॉल करके इधर की तरफ आना पड़ता है, ठीक है। तो इधर और इधर, लेफ्ट और राइट जाने के लिए, टॉप और बॉटम जाने के लिए, या तो आप नेविगेशन यानी स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकते हैं। अदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किया आपने, ओके, कुछ भी सेलेक्ट करिए और यहाँ पे एक छोटा सा मार्क आ रहा है, यहाँ पे आप एक प्लस साइन आ रहा है आपके कर्सर के साथ, इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक एकदम फास्ट, तो एकदम एंड पे चला जाएगा। अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो टॉप की तरफ रखें और इस पर डबल क्लिक करें एकदम फास्ट, तो एकदम अप पे चला जाएगा। इसी तरीके से नीचे जाना है आपको तो डबल क्लिक नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, इस तरीके से आपका नेविगेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपको स्क्रॉल बार यूज करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल यूज करने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से आपका यहाँ पे अपना नेविगेशन चेंज कर सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।